जय भोलेनाथ दोस्तों, 10:04 और मार्केट 1 घंटे में माइनस में चल रहा है। लगभग 1 घंटे होने वाला है, 10:04 हो चुकी है। सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर देख लेते हैं। इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इसको पढ़े बिना आप मेरा वीडियो मत देखिए। दस बज के 5 मिनट हो गई, अब 4 मिनट पे स्टार्ट किया था। तो अब देखते हैं पहले मार्केट। मार्केट देखिए, आज 392 का हाई बना के फ्यूचर में 250 आ गया है। तो आज कोई एक साइन वीकनेस का दिखा रहा है। देखिए, हमने एसजेक्स निफ्टी को 490 देखा था और मार्केट 490 तक बिल्कुल भी नहीं गया। तो इसका मतलब क्या मार्केट वीक हो गया? नहीं, क्यों नहीं हुआ हम देखते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिए, सॉरी 24 मार्च, यहाँ 17,300 पे थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, क्योंकि यहाँ कॉल राइटर बहुत ज़्यादा है, 36 लाख है, और पुट राइटर 28। लेकिन 200 के पास बहुत बड़ा सपोर्ट भी है, 200 के पास। तो मार्केट हो सकता है आज आपको एक मौका दे कि 200 या 190 का लो बना के फिर खींचना स्टार्ट करे, 190 या 200 का लो बना के फिर खींचना स्टार्ट करे, और इसी वीक में इसको टेस्ट करके आगे निकले। 17,500 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर खड़े हैं अभी, 18,000 तो दूर की बात है अभी। तो 17,500 हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 300 वाला हो सकता है आज या कल पार कर देगा मार्केट, क्योंकि एसजेक्स में अगर 490 दिखा चुका तो वो आना तो ज़रूर है। ठीक है, अब लेना कहाँ? अगर आप फ्यूचर्स के बायर हो, फ्यूचर्स में खेलते हो, तो इंट्राडे खेलिएगा, भूल से भी पोजिशनल मत खेलिएगा फ्यूचर्स में। ऑप्शन के थ्रू आप 31 मार्च के कॉल ले सकते हो, और अगर आप रिस्क टेकर हो तो इसी वीक का 17,500 का कॉल लीजिएगा, लेकिन रिस्क उसमें है क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? जब निफ्टी वापस 17,200 के आसपास आए आज, या 190 का लो बनाए, उस समय इस वीक का 17,500 का कॉल लेना चाहिए, या नेक्स्ट वीक का भी ले सकते हो, और फ्यूचर भी उस समय आप बाई कर सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता आज 170 के नीचे मार्केट कोई भी हालत में जाएगा, 170 के नीचे। ठीक है, ओवरऑल मार्केट एट द एंड ऑफ द डे बुलिश ही साउंड कर रहा है। क्यों? इसका कारण भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि निफ्टी का जो वीकली चार्ट बना था वो क्लियर कट एक साइन दे रहा है कि बुलिश है मार्केट, नॉट बियरिश। अब ये गलत कब साबित होगा? जब निफ्टी इसका मिडिल लेवल के नीचे क्लोज करने लग जाएगी। 16,850 को अगर मार्केट तोड़ता तब बीयर्स के हाथ में फिर से बाजी फिसलेगी। अगर बीयर्स को हावी होना है तो 16,850 तोड़ना पड़ता है। कितना तोड़ना पड़ता है? क्योंकि इस कैंडल का मिडिल लेवल जो है, जो पिछले वीक का कैंडल बना, वो लगभग 16,925 को अगर तोड़ता है तब जाके बाजी इस वीक के लिए बियर्स के हाथ में जाएगी, इस वीक के लिए, जो कि मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। ठीक है, 925, तो तब तक आप बाई ऑन डिप्स करिएगा, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन चेन को देखते हुए हमको 200 के नज़दीक आए तब एक अटेम्प्ट लेना चाहिए, 200 या 190 के नज़दीक आए तब अटेम्प्ट लेना चाहिए फ्यूचर्स में। ऑप्शंस में आप अभी 31 मार्च वाला कॉल ले लीजिए, और बाद में जब इसके नज़दीक आए तो 24 फरवरी वाला भी 17,500 ले लीजिए। ये तरीका अभी खेलने का। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है। मारुति आपने देखा, मैंने 8,000 बोला था तो 8,000 भी पहुंच गया। 8 मार्च को ये 6,640 पे मैंने बाई कॉल दिया था, टारगेट दिया था 7,500 प्लस विद इन 31 मार्च। 7,500 को तो छोड़िए, 7,950 आ गया, क्योंकि मैं आपको उस दिन भी बोला ये मुझे सुपर बुलिश लग रहा है, ये 8,000 का घोड़ा दिख रहा है, तो घोड़ा बन गया। ठीक है, दूसरा अब किस में आपको पोजीशन लेना चाहिए? अब मुझे एक शॉर्ट का कैंडिडेट लग रहा है ITC, कहाँ गया? ये 250 तक हाई बना सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वापस 230 आपको दिखेगा,
249 से 251 का हाई बनाएगा ये। उधर आपको अप्रैल के पुट ले लेने चाहिए इसके 240 वाले, सपोज उस समय वो 380 आ जाएगा या 360 आ जाएगा, एकदम सेफ खेलना। अभी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका एट एनी कॉस्ट मुझे लगता है इसका भाव 10 रुपये तो आएगा ही, और ये अप्रैल का पुट है 28 अप्रैल। लेकिन अभी लेने से ज़्यादा एकदम सेफ लेना आपको तो 370-380 मिले तब कर सकते हो। तो ITC आप देख सकते हो यहाँ पे 249 से 251 पे आएगा, तब ये ओवरबॉट से ओवरबॉट हो जाएगा, तब जाके आप इसमें फ्यूचर्स में भी एक लॉट शॉर्ट कर सकते हो 5 से 7 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के, और टारगेट रखोगे 230 के नीचे की, 230 तक की। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोले।